12 नवंबर का दिन है और जो मतदाता है वो यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस पे बार बार आ रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया जो है उसे आज अमल में लाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ मतदाता मेरे साथ हैं जो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, इनसे जानते हैं कि आज इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है तो किस तरीके से, क्या सोच कर आज अपना मतदान का उपयोग किया है। मैम, आपने वोट कास्ट किया है, आपका नाम क्या है? नीलम। नीलम जी, नीलम जी, कितनी बार मतदान, पहले भी बहुत बार मतदान कर चुके होंगे आप, तो आज किन मुद्दों को देखते हुए आपने अपना वोट कास्ट किया है? चलो मैम, सबको सपोर्ट मिलनी चाहिए, हमारी तरफ तो ऐसे ही है। बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए ना, और सबके लिए नौकरियों को भी चाहिए, और जिनको वोट देने उनको भी हम सपोर्ट कर सकते हैं ना। हाँ जी, कितनी साल के हैं और आज आपने मतदान दिया है, क्या सोचकर मतदान दिया है? सोच कर दिया, हमारा धर्म है वोट देना ना, जितने जितने ऊपर की मर्जी है जी। उम्र मेरे 85 साल है बेटिया। 85 साल? हाँ ठीक है। कोई नहीं मेरे घर में, लड़का भी खत्म हो गया, मालिक भी खत्म हो गया, एक पोता है मेरा, तब तो मेरे को ये दिन देखने पड़े क्या करना। क्योंकि मतदान का दिन मतदाता के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, आज आप सरकार चुनने वाले हैं, किस तरीके से अभी वोट कास्ट करके आए हैं, कैसा लग रहा है? उसमें हमें यही है, विकास होना चाहिए और बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए और सबको रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए जी। आपका नाम क्या है? अमरनाथ जी। वोट कास्ट करके आए हैं अभी, क्या सोचकर अभी वोट कास्ट दिया? हम तो यही सोचकर आ रहे हैं कि कुछ महंगाई कम हो जाए, कोई रोजगार मिल जाए, या कोई किसी को नौकरी मिल जाए, या कोई काम अच्छा होना चाहिए, और यही हम कर रहे हैं कि भाई प्रार्थना की भाई ये काम हो जाना चाहिए, अगर जड़ी कोई जिंदा खुंदा रह गया काम जरा है वो हो जाना चाहिए, ये हमारा वोट हुआ है। तो यहाँ पर जो मतदाता है वो ज़रूर उम्मीद कर रहे हैं कि जो उनका वोट है वो अपना मत देकर आए हैं, लेकिन ये जो वोट है ये ज़रूर सफल हो यहाँ पर, और विकास का जो कार्य है वो यहाँ पर ज़रूर किए जाए। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, कुल्लू। आज 12 नवंबर का दिन है और जो मतदाता है वो यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस पे बार बार आ रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया जो है उसे आज अमल में लाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ मतदाता मेरे साथ हैं जो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, इनसे जानते हैं कि आज इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है तो किस तरीके से, क्या सोच कर आज अपना मतदान का उपयोग किया है। मैम, आपने वोट कास्ट किया है, आपका नाम क्या है? नीलम। नीलम जी, नीलम जी, कितनी बार मतदान, पहले भी बहुत बार मतदान कर चुके होंगे आप, तो आज किन मुद्दों को देखते हुए आपने अपना वोट कास्ट किया है? चलो मैम, सबको सपोर्ट मिलनी चाहिए, हमारी तरफ तो ऐसे ही है। बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए ना, और सबके लिए नौकरियों को भी चाहिए, और जिनको वोट देने उनको भी हम सपोर्ट कर सकते हैं ना। हाँ जी, कितनी साल के हैं और आज आपने मतदान दिया है, क्या सोच कर मतदान दिया है? सोच कर दिया, हमारा धर्म है वोट देना ना, जितने जितने ऊपर की मर्जी है जी। उम्र मेरे 85 साल है बेटिया। 85 साल? हाँ ठीक है। कोई नहीं मेरे घर में, लड़का भी खत्म हो गया, मालिक भी खत्म हो गया, एक पोता है मेरा, तब तो मेरे को ये दिन देखने पड़े क्या करना। क्योंकि मतदान का दिन मतदाता के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, आज आप सरकार चुनने वाले हैं, किस तरीके से अभी वोट कास्ट करके आए हैं, कैसा लग रहा है? उसमें हमें यही है, विकास होना चाहिए और बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए और सबको रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए जी। आपका नाम क्या है? अमरनाथ जी। वोट कास्ट करके आए हैं अभी, क्या सोचकर अभी वोट कास्ट दिया? हम तो यही सोचकर आ रहे हैं कि कुछ महंगाई कम हो जाए, कोई रोजगार मिल जाए, या कोई किसी को नौकरी मिल जाए, या कोई काम अच्छा होना चाहिए, और यही हम कर रहे हैं कि भाई प्रार्थना की भाई ये काम हो जाना चाहिए, अगर जड़ी कोई जिंदा खुंदा रह गया काम जरा है वो हो जाना चाहिए, ये हमारा वोट हुआ है। तो यहाँ पर जो मतदाता है वो ज़रूर उम्मीद कर रहे हैं कि जो उनका वोट है वो अपना मत देकर आए हैं, लेकिन ये जो वोट है ये ज़रूर सफल हो यहाँ पर, और विकास का जो कार्य है वो यहाँ पर ज़रूर किए जाए। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, कुल्लू।